बात करते हैं रीवा की, जहां तेज बारिश ने चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। गंगेव के देवरिया मतदान केंद्र 97 में सड़क की समस्या को लेकर पहले भी ग्रामीणों ने मांग की थी, जिसका प्रशासन ने झूठा निराकरण देकर लीपापोती करने का प्रयास किया था। वहीं मामले में इंद्रदेव ने न्याय करते हुए चुनाव आयोग और प्रशासन को आईना दिखा दिया है। अब सवाल ये है कि 1 जुलाई को मतदान कैसे होगा और मतदाता केंद्र तक कैसे पहुंचेंगे। गंगेव जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिदहा के ग्राम नेवरिया के लिए जाने वाले एकमात्र प्राइवेट खेत के मार्ग में 29 एवं 30 जून के दरमियान तेज बारिश होने के कारण मतदान केंद्र नेवरिया क्रमांक 97 के लिए रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आपको बता दें कि इसके पहले लगभग 2 सप्ताह पूर्व ग्राम सिदहा एवं भवरिया के लोगों ने उनके ग्राम का मतदान केंद्र नेवरिया ग्राम से अलग किए जाने की मांग की थी। प्रशासन और प्रशासन ने इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया और झूठी रिपोर्ट देकर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है। रही सही कसर इंद्रदेव ने पूरी कर दी और 29 एवं 30 जून के दरमियानी तेज बारिश ने शासन प्रशासन के साथ चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं की पूरी पोल खोल कर रख दी। और अब सवाल ये उठता है कि ग्राम नेवरिया में 1 महीने से ट्रांसफार्मर भी जला हुआ है, न बिजली है, न पानी और ना ही सड़क है। उस ग्राम में बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर मतदाता किस तरह से 1 जुलाई को मतदान करेंगे। जिस प्रकार शासन और प्रशासन में बैठे हुए सरकारी मुलाजिम वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर लीपापोती का काम करते रहते हैं, उनकी असफलता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि तेज बारिश ने इनके कारनामों की पोल खोल कर रख दी। रिवर से ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आप देख सकते हैं कि ये तमाम भरा हुआ है और यहाँ से इस तरह से पानी निकलता रहता है। अभी तो खेत में उतना फ्लो नहीं है, ये धीरे धीरे फ्लो और तेज़ी से बढ़ेगा और यही आम रास्ता है यहाँ पर, और यहाँ से इस तरह से गुजरना पड़ता है। इस बात को लेकर के पिछले 15-20 दिन से जो सिदहा और भमरिया ग्राम के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने ये मांग की थी कि भाई नेवरिया के लिए कोई रास्ता नहीं है और इसलिए उनका मतदान केंद्र इससे अलग कर दिया जाए, नेवरिया का नेवरिया में कर दिया जाए और भमरिया सिदहा का सिदहा में कर दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने इसकी एक भी नहीं सुनी। और आप आगे अब देखिए किस तरह से जिस नाले की ये बात कर रहे थे जिसका हाई फ्लो रहता है, उस पिछले वाले खेत का तो हमने दिखाया ही आपको, अब ये देखिए ये अब पूरी तरह से रोड ब्लॉक है। यहाँ से पानी का फ्लो पूरी तरह से आता है क्योंकि ये खेत से होते हुए जाता है, यहाँ कोई आम रास्ता नहीं है और ये यहाँ से इनको पार करके जाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से प्रशासन इसकी व्यवस्था करवा पाएगा, क्या करेगा, ये प्रशासन का काम है कि वो देखे। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से पिछले 15-20 दिन से लोगों ने निरंतर आवाज़ उठाई है और प्रशासन ने अनसुनी की है, ये उसी का नतीजा है कि आज कल 1 जुलाई 2022 को होने वाला जो मतदान है वो रीवा ज़िले में इस सिदहा ग्राम पंचायत नेवरिया ग्राम में मतदान केंद्र क्रमांक 97 जिसे कहते हैं वहाँ पे बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। आप देख सकते हैं पूरा। मेरा नाम अजय सिंह, सिदहा पंचायत का रहने वाला हूँ। यहाँ पे रास्ता इतनी ख़राब है कि भमरिया पंचायत और नेवरिया जाने वाले के लिए बहुत दिक्कतें हैं, मतदान देने कैसे जा पाएंगे। अगर ऐसे ही रहा मतदान देने बहुत दिक्कत होगी। मैं ग्राम पंचायत सिदहा का निवासी हूँ और एक्चुअली मैं बाहर रहता हूँ, इस समय वोट डालने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैंने समस्या देखी कि ग्राम पंचायत नेवरिया के लिए रास्ता नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है। तो हमने पहले भी इस मुद्दे पे सरकार को ज्ञापन सौंपा था और बात हमने अपनी बात पहुँचाई थी कि हर जगह के लिए पोलिंग बूथ हो जहाँ पर रोड की सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो हम पुनः अनुरोध करते हैं सरकार से कि जहाँ पे मार्ग इस समय नहीं है तो वहाँ के लिए पोलिंग बूथ मुहैया कराया जाए। और बाकी देख रहे हैं कि ग्रामीणों को कितनी समस्या है, यहाँ से स्कूली बच्चे जाते हैं, ग्रामीण लोग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो उन्हें बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। और ये जैसे ही बारिश होगी और भर जाएगा और भी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं और फिर मार्ग ये रुक ही जाता है।